वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका वही पुराना दोस्त गौरव दीप शर्मा स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। REI की वीडियोस के बाद ये अगली वीडियो आई है एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जो कि बैटरी स्कूल की R&D टीम ने डेवलप किया है। हाँ दोस्तों, पोस्ट प्रोडक्शन लैब का ये एडवांस वर्जन है जो कि मैं आपको आज ब्रीफ करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आपकी इंडस्ट्री में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो हमने बात की है डायग्नोस के ऊपर। प्रोडक्ट आपने कितना ही अच्छा बना लिया, अगर उसके रिजल्ट्स को आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप R&D का हिस्सा है ही नहीं। आप किसी ना किसी के हाथों की कठपुतली हैं और कॉपी पेस्ट पैटर्न इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। यकीनन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने ग्रो करे तो आपको उसके डायग्नोस पे काम करना ही। इसी कड़ी में हमने प्री प्रोडक्शन लैब डेवलप किया था, पोस्ट प्रोडक्शन लैब डेवलप किया था और आज हम लेके आए हैं एडवांस पोस्ट प्रोडक्शन लैब। एडवांस पोस्ट प्रोडक्शन लैब में ऐसा क्या है जो मैं उसकी बार बार बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन 69% लोगों से कहना चाहूंगा, क्या दोस्तों कंटेंट इतना खराब है कि आप लोग देखना पसंद नहीं करते, और अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। 69 यानी कि पहले कभी ये रेशो हमारा 50-50 का हो गया था, 50% लोग सब्सक्राइबर थे, 50% लोग नॉन सब्सक्राइबर थे, पर आज वो दायरा बढ़ के 69% नॉन सब्सक्राइबर हैं और 29 और 30% हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को देखते हैं वीडियो। अगर हम कुछ भी अच्छा आपके जीवन में आपकी इंडस्ट्री में करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज को देखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन लैब की वीडियो। जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन लैब का पूरा एक ये पैनल है। सबसे ऊपर इसमें प्रोडक्ट का नाम है, उसके नीचे उसका AH है यानी कि कितने एम्पीयर की बैटरी पे हम ये पोस्ट प्रोडक्शन टेस्ट करने वाले हैं। उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने वाले, ऊपर है चार्जिंग डिस्चार्जिंग एम्पीयर्स या लोड और नीचे है चार्जिंग एम्पीयर्स और नीचे है करने वाले का नाम, और उसके नीचे आप एक बहुत बड़ा ग्राफ देख पा रहे होंगे। उस ग्राफ को हमने वैल्यू किया है 3 रेफरेंसेस के आधार पे, टाइम, वोल्ट और टेम्परेचर। लेड एसिड बैटरी की सारा सब कुछ 0 to Z घूमता है इन 3 ही चीजों के पीछे, कितने समय बैटरी चली, कितने वोल्ट बैटरी में चार्जिंग पे थे, कितने डिस्चार्जिंग पे थे और उसका टेम्परेचर कितना था। यानी कि अगर एक भी वैल्यू को मैं छोड़ देता हूं तो मैं करेक्टरिस्टिक्स स्टडी नहीं कर पाऊंगा। इस चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चार्ट की इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि जिस बैटरी से हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, आइदर वो एक्साइड का प्रोडक्ट हो, ल्यूमिनस का प्रोडक्ट हो या जिसको भी हम आइडियल प्रोडक्ट मानते हैं, सबसे पहले उसके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी हम कर लेंगे, उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ हम बना लेंगे 3 वैल्यूज के रेफरेंस में, टाइम, वोल्ट और टेम्परेचर के रेफरेंस में। यानी कि बैटरी का जब मैंने लोड लेना शुरू किया वहां पर वोल्ट कितने थे, OCV, जैसे ही लोड डाला तो वो CCV क्या हो गया और वहां से कितने टाइम में कितने वोल्ट स्टडी करते हैं वो ग्राफ पर, जैसा कि आइडियल ग्राफ आप पीछे देख भी पाए। सेम करेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे डिस्चार्ज चार्जिंग के ऊपर, यानी कि बैटरी 10.5 टू 16.2 वोल्ट तक जाने में कितने घंटे का टाइम लिया और क्या टाइम पे क्या उसका टेम्परेचर गया। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है इस चार्ट के थ्रू आप समझ पाएंगे। इससे पहले जो पोस्ट प्रोडक्शन हमने दिया था उसमें ग्राफ नहीं था जिस वजह से कंपैरिजन चार्ट हमारे सामने लाइव नहीं आ पाता। इस पूरे सिस्टम में जो चार्ट आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तब जब कभी आप अपनी बैटरी को किसी के साथ में कंपेयर कर रहे हो। एक चार्ट परमानेंट मार्कर से जिस बैटरी को आप चाहते हो कि आइडियली आप बनाना चाहते हो कि मेरी बैटरी भी वैसी ही बने, उसको आप ड्रॉ कर दीजिए और अपनी बैटरी के करेक्टरिस्टिक्स को बार बार तब तक उस पर नोट डाउन करते रहिए जब तक कि मेरी बैटरी भी वैसे की वैसे ना हो जाए। नीचे आप देख पाए होंगे कि लेफ्ट में डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें वोल्ट, टाइम और कितने कितने टाइम पे क्या क्या वोल्ट डाउन हुए, OCV, CCV और टाइम 3 वैल्यूज आ रही है, टेम्परेचर नहीं आ रहा है। टेम्परेचर हमें मैनुअली मर्करी टेम्परेचर मीटर से या डिजिटल टेम्परेचर मीटर या थर्मल टेम्परेचर मीटर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उससे हम स्टडी करेंगे। साथ ही में चार्जिंग में भी हमारे पास ऑप्शन है 2 वोल्ट से लेके, बैटरी हमारी कोई भी हो सकती है 12 वोल्ट बैटरी से लेके 12 वोल्ट 2 एम्पीयर से लेके 12 वोल्ट 200 एम्पीयर तक की कोई भी बैटरी मेरे पास हो मैं उसके दोनों करेक्टरिस्टिक्स इस लैब पे स्टडी कर सकता हूँ और उस चार्ट से कंपेयर भी कर सकता हूँ उस बैटरी को जैसा मुझे बनना है।
कहते हैं ना कि जिस जैसा हमें बनना हो तो उसका फोटो हम सामने लगा लेते हैं आइडियल का और उसको फिर हम कॉपी करने लगते हैं। ऐसा ही इस पोस्ट प्रोडक्शन लैब में आप कर पाएंगे और लाइव दोनों चीजों के रिजल्ट्स आप देख पाएंगे स्क्रीनशॉट करके। अगर के ये जो टेस्ट है वो कोई एम्प्लॉय कंडक्ट कर रहा है और वो अपने ओनर तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि मैंने ये टेस्ट किया, तो शायद वैल्यूज को ओनर ना समझ पाए आसानी से, पर जब वो पिक्चर बना के या ड्रॉ करके चार्ट पे देंगे या ग्राफ पे देंगे तो यकीन मानिए लेमैन से लेमैन भी उस करेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएगा और अपने प्रोडक्ट में क्या बेहतर मुझे करना है वो भी कर पाएगा। आशा करता हूँ ये प्रोडक्ट आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़ा कुछ भी खराब या अच्छा आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या ये अच्छा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे उनको पर्सनली मैं अपनी तरफ से बैटरी से रिलेटेड कोई भी एक ऐसी एडवाइस जरूर दूंगा जो कि उनकी इंडस्ट्री में काम आए। आशा करता हूं जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे किसी नए प्रोडक्ट और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखें। धन्यवाद।